हेलो फ्रेंड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की ओर से नया नोटिस, इंपॉर्टेंट नोटिस आ गया है। आपको मैं क्लिक करके सारी चीज़ों को बताता हूँ, तो जो चैनल में नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे ऐसी वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट भी आपको मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो ये जो है रिक्वायरमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस CAPFS एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISF एग्जामिनेशन 2019 का है, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 2019 वाला जो एग्जाम हुआ था उसी का फाइनल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसी से है आगे में क्या है देखते हैं। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाइड रिजल्ट डेटेड 10/12/2021 यानी कि 10 दिसंबर 2022 हैड शॉर्ट लिस्टेड 4003 कैंडिडेट्स, 396 फीमेल एंड 3607 मेल फॉर अपेयरिंग इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस CAPFS एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISF एग्जामिनेशन 2019। तो यहाँ पे जो है 10 दिसंबर 2021 का जो है रिजल्ट जारी किया गया था, उसमें से अब 403 कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है, जिनको कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में, साथ ही CAPFS एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISF एग्जामिनेशन 2019 वाला में। और इसमें से जो है 396 फीमेल और 3607 मेल कैंडिडेट्स हैं जिनका शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी बढ़िया न्यूज़ है कि जितने भी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया अब वे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाएं और इनको दिल्ली पुलिस CAPFS असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISF एग्जाम 2019 का जो भी है बुलावा आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो डेट आएगा उसको भी आगे आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे और चीज़ें हैं क्या है, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ ऑल स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट एज पर नोटिस एंड द बेस्ड ऑन द मेरिट कम प्रिफरेंस ऑफ पोस्ट फोर्स कैंडिडेट्स हैव बीन फाइनली सिलेक्टेड एंड एलोटेड टू द फॉलोइंग पोस्ट। तो यहाँ पे जो है नोटिस और प्रिफरेंस के हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाया गया है, उसी को अब आप लोगों को सिलेक्ट करना है और उसी के बाद में आपको पोस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है पहले ए नंबर पे है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, बी में है सब इंस्पेक्टर इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, सी नंबर पे यहाँ दिया हुआ सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF का है, डी में है सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF का है, और सब इंस्पेक्टर इन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBPF का है, और एफ में है सब इंस्पेक्टर इन सीमा सशस्त्र बल। तो ये जो है इन्हीं में से आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से ही एलोकेट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कैटेगरी वाइज डिटेल्स ऑफ 246 फीमेल कैंडिडेट्स प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो है 246 फीमेल कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया गया है कैटेगरी वाइज डिटेल्स में। तो यहाँ पे देखिए SC ST OBC EWS UR और टोटल यहाँ पे देख सकते हैं। तो वैकेंसीज जो थी वो 40 थी, यहाँ पे ST लोग के 19 थे, OBC के 60, 21 UR 108, 200 टोटल 248 थे। लेकिन इसमें से रिकमेंडेटेड किया गया है, इसमें से SC का पूरा फुल है, ST में भी फुल है, OBC में भी फुल है, और EWS में भी पूरा फुल कैंडिडेट्स को बुलाया गया। साथ साथ में जो UR है इसमें से केवल 2 कैंडिडेट्स को यहाँ पे कम किया गया, यानी टोटल 246 कैंडिडेट्स का यहाँ पे क्वालिफाइड बताया गया है। यहाँ पर है वैकेंसीज अंडर UR कैटेगरी हैज़ बीन किप्ट अनफिल्ड अगेंस्ट टेम्पोररी अनफिट कैंडिडेट। तो यहाँ पे जो है 2 का कम दिख रहा है यहाँ पर है, तो उसी के लेकर के यहाँ पे बताया गया है कि उसको रख दिया गया है बोल के, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कैंडिडेट्स वाइज ब्रेक ऑफ द फीमेल कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एलॉन्ग विद द कट ऑफ डिटेल्स दैट इज मार्क्स ऑब्टेन एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एज आर गिवन। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए कटअप था उसमें से कौन सा मार्क्स लाया गया है, और जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है उसका जो है डेट ऑफ बर्थ को भी यहाँ पर बताया गया है। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा आप लोग भी ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो यहाँ पोस्ट कोड है AAA और यहाँ पे BBB है, तो कैटेगरी कोड है 012, ये तो सारी चीज़ें देख रहे हैं, वैकेंसी जो थी वो भी आप लोग देख रहे हैं, और फील्ड हो गया ये पूरी तरीके से देख रहे हैं 8 में 8, मतलब 8 8 14 14 6 6 36 36 15 15 1 1 और 5 5, तो यानी पूरा वैकेंसी था उसको फिल किया गया है। यहाँ पे है डिटेल ऑफ लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, जो सबसे लास्ट कैंडिडेट है और उसके ऊपर के जितने भी सारे की चीज़ सिलेक्ट हो गए, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला है उसी का देखा गया। तो टोटल मार्क यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से, यहाँ पे पेपर टू जो है वो मार्क्स भी आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा, और जो उनका डेट ऑफ बर्थ है जो लास्ट कैंडिडेट का वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो ये आप लोग यहाँ से सारी चीज़ देख सकते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पर, इधर भी है तो इसको भी आप लोगों को ध्यानपूर्वक देख लेना है। उसके बाद आप यहाँ पूरी तरीके से इसको देख सकते हैं, और फिर अब यहाँ पे आगे जो है उसको दिखाते हूँ मैं। कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड कैटेगरी कोड 4 वेयर कंसिडर्ड एज OBC फॉर दिल्ली पुलिस एंड UR EWS
एज अप्लीकेबल फॉर CAPFS, तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स थे कैटेगरी कोड फोर कंसिडर किए थे OBC में, उनको दिल्ली पुलिस और EWR के में आपको CAPFS के तौर पर ही देखा जाएगा। यहाँ पे साथ ही कहा गया, रो कॉरस्पॉन्डिंग टू पोस्ट एंड कैटेगरी विथ नील रिपोर्टेड वैकेंसीज हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन दिस टेबल। तो यहाँ पे जो पोस्ट और कैटेगरी जो है वहाँ नील दिख रहा है, उसका मतलब यहाँ पे उसको टेबल में नहीं शो किया गया, यहाँ भी बताया जा रहा है यहाँ पर। साथ साथ आप यहाँ पे फिर से देखें, कैटेगरी वाइज डिटेल्स ऑफ 2480 मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज आर द गिवन बिलो। यहाँ पे 2480 मेल कैंडिडेट्स है जो कैटेगरी वाइज है, उनको भी अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाइड बताया गया है। तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में है, वैकेंसीज थी कितना, उसमें कैंडिडेट रिकमेंडेड किया गया वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे है ST OBC EWS UR, टोटल है यहाँ पे सारा चीज़, यहाँ पे एक एक पोस्ट को आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है टोटल देखिए, यहाँ पे SC के 4, ST के 7, OBC के 41, EWS के 13 और UR के 54, तो टोटल 119 पोस्ट थे यहाँ पे सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में। तो उसमें से जो है फुल फिल हो गया यहाँ पे 4, यहाँ पे इसके साथ 7, यहाँ 41, ये 13, ये 54 और ये हो गया आपका 119, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो टोटल जो वैकेंसीज थे उसी के हिसाब से यहाँ पे टोटल फुलफिल किया गया कैंडिडेट्स को सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर फिर से है सब इंस्पेक्टर CAPFS के मतलब वैकेंसी जो थी वो SC ST OBC EWS UR टोटल ESM सारा कुछ दिया हुआ है। जो है SC के लिए 360 वैकेंसी था, उसमें से 351 यानी कि एक सिलेक्ट नहीं हुआ है। ST में टोटल को पूरा फुलफिल हो गया है, OBC में एक कम है, फिर EWS में भी एक कम है, यहाँ पे देख सकते हैं UR में भी एक पोस्ट कम, मतलब एक कैंडिडेट रिकमेंड कम किया गया है। साथ साथ में यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे तीन चार कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है वो कम है। तो यहाँ पे टोटल जो है 353 लिखा हुआ है और इसमें जो है कुछ चीज़ें हैं जो कि कोर्ट ऑर्डर में चला गया है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा जो है कैंडिडेट रिकमेंडेशन वो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया है। इसके बाद है आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप फॉर द मेल कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एलॉन्ग विद द कटअप डिटेल्स दैट इज मार्क ऑप्टेन एंड डेट ऑफ बर्थ द लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट आर गिवन इन केस हुअर कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज। ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, टोटल मार्क्स ऑफ सच लास्ट कैंडिडेट्स आर रिफ्लेक्टेड अगेंस्ट देयर रेस्पेक्टिव हॉरिजॉन्टल कैटेगरी नॉट अगेंस्ट देयर वैकेंसी कैटेगरी। तो यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ देख लेना है। तो यहाँ पे जो है मार्क्स ऑप्टेन कितना किया गया और लास्ट डेट ऑफ बर्थ को जो पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर था उसमें आप लोगों को देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पे पोस्ट कोड कैटेगरी सब कैटेगरी ये सारा चीज़ें दिया गया है, तो आप लोग इसको पूरी तरीके से ध्यान में देखेंगे। और फिर ये सारा चीज़ें हैं यहाँ पे ABCDEF जो भी था वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके बाद है यहाँ पर दिखा हुआ कि कैंडिडेट्स हु हैव फील्ड कैटेगरी कोड फोर वाज वर कंसिडर्ड एज OBC फॉर दिल्ली पुलिस UR EWS एज अप्लीकेबल फॉर CAPFS एग्जाम। तो जो भी कैंडिडेट फील किए थे कैटेगरी कोड फोर में OBC इन दिल्ली पुलिस के लिए, तो उसको अब CAPFS UR में ही उसको भी देखा जाएगा, ये भी यहाँ कहा गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, एज पर द प्रोविजन अंडर पारा 15 ऑफ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन इन केस वेयर मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योर इक्वल एग्रीगेट मार्क्स पेपर वन और पेपर टू, टाई हैज बीन रिजोल्व बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग मेथड्स वन आफ्टर अनदर इन द गिवन ऑर्डर टिल द टाई इज रिजोल्व। तो यहाँ पे कहा रहा है कि अंडर पारा 15 के हिसाब से अगर किसी भी कैंडिडेट्स दो कैंडिडेट्स का जो है एग्रीगेट मार्क्स हो गया समझ पेपर वन और पेपर टू का, तो टाई हो जाने से उसको इस मेथड से रिजोल्व किया जाएगा। तो टोटल मार्क इन पेपर टू उसको पहले देखा जाएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ विथ ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हायर, डेट ऑफ बर्थ पहले देखा जाएगा, फिर बाद में जो भी उम्र में ज़्यादा होगा एज में उसको फिर देखा जाएगा, फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑर्डर ऑफ द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, उसके बाद फिर उसका नेम का जो अल्फ़ाबेट है उसके हिसाब से ये जो टाई है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पारा 14.16 ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन स्टेट दैट फाइनल रिजल्ट अगेंस्ट डिपार्टमेंटल वैकेंसी विल बी प्रोसीड बाय दिल्ली पुलिस बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ द सेट एग्जामिनेशन बाय द कमीशन, हैंस द रिजल्ट ऑफ डिपार्टमेंटल वैकेंसी ऑफ दिल्ली पुलिस हैज नॉट बीन प्रोसीड बाय द कमीशन। तो यहाँ पे जो है फाइनल रिजल्ट को जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है दिल्ली पुलिस का उसको यहाँ पे कमीशन की ओर से
नहीं जारी किया जाता है, डिक्लेरेशन नहीं किया जाएगा, ये कहा गया। साथ ही साथ तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ, हेंस द रिजल्ट ऑफ डिपार्टमेंटल वैकेंसी दिल्ली पुलिस हैज नॉट बीन प्रोसेस्ड बाय द कमीशन। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी है दिल्ली पुलिस का, उसको कमीशन की ओर से प्रोसीड नहीं किया जाता है, नहीं किया जाएगा, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है। साथ साथ में देखिए आप, रिजल्ट अगेंस्ट डिपार्टमेंटल वैकेंसी ऑफ दिल्ली पुलिस विल बी डिक्लेयर बाय द दिल्ली पुलिस। तो ये जो है दिल्ली पुलिस की ओर से ये इसको डिक्लेयर किया जाएगा। देयर आर द सम कैंडिडेट्स हुज कैंडिडेचर हैव बीन केप्ट एज प्रोविजनल बाई द कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ द कमीशन बट आर ऑल्सो इंक्लूडेड ऑफ द सिलेक्ट लिस्ट। कंसर्न यूजर डिपार्टमेंट विल चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ सच कैंडिडेट थ्रोली एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स जो है उनको प्रोविजनल तौर से उसको रोक के रखा गया है, उनको रोका गया है रीजनल ऑफिस के, और उसको सिलेक्ट लिस्ट में भी जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे जो है जो उसको अपॉइंट किया जाएगा तब जाके वहाँ पे कुछ उसका एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा, ये भी यहाँ पे कह रहा है। यहाँ पे एनी डिस्क्रिपेंसी विथ रेस्पेक्ट टू द सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन एलोकेशन ऑफ पोस्ट यूजर डिपार्टमेंट ETC में बी ब्रॉट ऑफ द नोटिस टू द कमीशन विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो आपको 1 महीना के अंदर अंदर में सारा चीज़ें आप लोगों को बताया जाएगा, नोटिस में आ जाएगा। एनी सच रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिसीव आफ्टर 1 मंथ विल नॉट बी इंटरटेन बाई द कमीशन। 1 महीने के बाद में जो भी चीज़ें होगी, रिप्रेजेंटेशन होगा, उसको कमीशन की ओर से आगे बढ़ाया नहीं जाएगा, ये भी यहाँ पे कह रहा है। साथ ही साथ में, इफ़ ए कैंडिडेट इज फाइनली सिलेक्टेड एंड डज नॉट रिसीव एनी कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम द कमीशन ऑफ द कंसर्न यूजर डिपार्टमेंट विद अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ही सी मस्ट ब्रिंग दिस टू नोटिस ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट इमीडिएटली देयर आफ्टर। यहाँ पे है कि कोई भी कैंडिडेट्स है जिसको कोई रिसीव नहीं होता है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में, कोई भी कमीशन की ओर से लेटर हो या फिर ज्वाइनिंग लेटर जो भी है, वो अगर नहीं मिलता है 1 साल के अंदर में, तो वो इस नोटिस को लेकर के आ सकते हैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसके बाद में, जब 1 साल के बाद रिजल्ट जारी होने के बाद में, यहाँ पे इनका कहना है इस प्रकार से। तो आप लोगों को 1 साल तक में यहाँ देख ही लेना है ध्यान से, अगर कुछ नहीं आता है कॉरेस्पॉन्डेंस में तब। डिटेल मार्क ऑफ द सिलेक्टेड एंड नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट शेल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन फ्रॉम 4 फरवरी 2022 से लेकर के 23 फरवरी 2022 के, यानी कि 4/2/22, 23/3/2022, तो इतना के बीच में इन जो तारीख है उसमें से आप लोगों को जो है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो है मार्क्स कितने लाए हैं वो यहाँ पे आप लोगों को देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे अंडर सेक्रेटरी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 31 जनवरी 2022 है। तो ये आपको पूरी जानकारी को मैं बता दिया हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है, और जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है तो वे लोग अब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें। हो सकता है बहुत जल्द इसके बारे में नोटिस आ जाएगा, तो मैं आप लोगों को वो सब सारी जानकारी बता दूंगा। तो यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस APS असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2019 का फाइनल रिजल्ट घोषित हो गया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट थी वो भी मैंने आप लोग बता दिए, साथ साथ कितने कैंडिडेट्स थे वो भी मैं आप लोगों को बता दिया। तो आगे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी नोटिस आता है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो आप लोग सारी चीज़ ध्यान रखेंगे।